सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है नई वीडियो में। फ्रेंड, आज हम लोग को बताने वाले आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और अपना बैकग्राउंड में शॉर्ट वीडियो को बेहतरीन बनाने के लिए अपना बैकग्राउंड में कोई सा भी म्यूजिक ऐड करते हैं और वहां पर आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो आप चौंक जाते हैं कि मेरे वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है। दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम आने का यही वजह नहीं है, यहाँ तक ये भी है कि अगर जो आपके शॉर्ट वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया है और जिसका भी गाना यूज किए हैं अपना बैकग्राउंड में, आधा ईयरनिंग, जैसे आपको 100% ईयरनिंग है तो 55% ईयरनिंग चले जाएगा सॉन्ग के पास, 45% आपका आएगा। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप किसी का भी सॉन्ग यूज कीजिएगा तो आपका वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना किसी स्किप की। तो ममताज चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ममताज चैनल से जुड़े हर एक टेक्नोलॉजी वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मॉल की स्क्रीन पे आ जाएगा और इस वीडियो में हम जो भी करने वाले हैं, जिस प्रकार से करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी वीडियो शूट करना है कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, काइन मास्टर को ओपन करना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक कीजिएगा और 9.16 का ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करके बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हम बैकग्राउंड से सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके और आपका जहाँ भी शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस तरह से कर दीजिएगा, एडिटिंग वगैरह कर लीजिएगा अपना वीडियो में और इस तरह से अपना मर्जिंग कट कर लीजिएगा, जहाँ तक वीडियो रहेगा वहाँ तक कट कर लीजिएगा और इस वीडियो पर क्लिक करके सॉन्ग को इस तरह से बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, बंद कर दिए और यहाँ से क्लिक करके इस वीडियो पर वापस इस तरह से सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम वीडियो को एडिटिंग वगैरह कर लिए और सेव भी कर लिए, आप अपना हिसाब से सेव कर लीजिएगा। उसके बाद बीच से कट किए और यहाँ पर देखिए, हम YouTube पर क्लिक किए, ठीक, YouTube पर क्लिक किए और यहाँ पर प्लस का बटन दिया हुआ है, प्लस के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कर लीजिए प्लस के बटन पर क्लिक और क्रिएट ए शॉर्ट पे क्लिक किए, ठीक, और यहाँ पर अपलोड वाला पे क्लिक करके वीडियो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हम वीडियो सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर डन पे क्लिक कर दिए। तो यहाँ पर देखिए, हम डन पे क्लिक कर दिए इस तरह से, देखिए डन पे क्लिक करने के बाद लोडिंग हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, फिर वापस राइट वाला बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए, साउंड का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, नीचे में साउंड वाला ऑप्शन पर दिख रहा है, तो साउंड पे क्लिक कीजिएगा और अपने बैकग्राउंड में जो भी सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड आप वीडियो बनाए हैं, वो सॉन्ग यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक। फिलहाल हम सर्च नहीं करते, आप अपने हिसाब से सर्च कर लीजिए। जैसे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, देखिए हम करके दिखा देते हैं, भोजपुरी सॉन्ग चाहे हिंदी सॉन्ग, जो भी आपको सॉन्ग सर्च करना है उसे रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम सिलेक्ट कर लिए इस तरह से, यहाँ से देखिए हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये कर्सर जो ब्लू वाला दिख रहा है, ब्लू वाला कर्सर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, साउंड सेट हो चुका है, आप नीचे देख सकते हैं ऐड जस्ट लिखा हुआ भी है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए और जो भी आपको टाइटल वगैरह डालना है, जस्ट टाइप भी डालना है, आप डाल दीजिए। डाल देने के बाद उसके बाद क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, हम अपलोड कर दिए। उसके बाद क्या करना है, YT स्टूडियो में आपको जाना है। देखिए यहाँ पर अपलोड हो रहा है, 4658 जो भी अपलोड हो रहा है, अपलोड हो जाएगा मात्र एक मिनट के अंदर में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मेरा अपलोड होने वाला है, ये यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग में चला गया और अपलोड भी हो गया। यहाँ से बीच से हम कट किए और YT स्टूडियो में ओपन कर लेंगे। पहले आपके मोबाइल में YT स्टूडियो डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वही चैनल से लॉगिन भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लॉगिन कर लिए और इसके बाद क्या करना है, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है। नीचे में कॉन्टेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर शॉर्ट पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। शॉर्ट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर क्या करना है, इस तरह से रिफ्रेश करना है एक बार। इस तरह से रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, शॉर्ट वीडियो जो अपलोड किए हैं यहाँ पर आ चुका है और नो कॉपीराइट, मतलब कॉपीराइट क्लेम इस पर नहीं आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी हम सॉन्ग ऐड किए हैं यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आ चुका है। यहाँ पर देखिए, वापस हम थीम पे क्लिक कर दिए और रजिस्टर में आप देख सकते हैं, नो कॉपीराइट है, नन है यहाँ पर। इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं और आपके वीडियो पर कोई भी सॉन्ग यूज करने पर कॉपीराइट क्लेम नहीं। तो आप अपने फ्रेंड में इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा,
ताकि शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता है तो इस वीडियो को एक बार जरूर ट्राई करें, ताकि जिसका भी वीडियो शॉर्ट वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ रहा है इस वीडियो के माध्यम से नहीं आएगा। अगर जो देख के मेरा तरीका अपना लेगा तो उसके शॉर्ट वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।